हम लोग ये चैप्टर जो सेकंड है आपका इंग्लिश प्रोज का लॉस्ट स्प्रिंग, इसके शॉर्ट आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला शॉर्ट आंसर क्या है हमारा, पहला शॉर्ट आंसर है देखिए व्हाई डिड एनी जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। एनी जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन हिम, इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए एनी जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल्स, एनी जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज सी वॉन्टेड टू नो द इंटेंशन ऑफ साहेब रिगार्डिंग स्टडीज। वह साहेब का अध्ययन के प्रति रुझान या जानना चाहती थी। एट द ऑथर्स ऑफर साहेब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल। लेखिका के प्रस्ताव पर वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। Thought the author offered him non-seriously. लेखिका के विचार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये हमारा पहला शॉट है। दूसरा आंसर देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिगर्स नॉट बियर चप्पल्स। साहेब और दूसरे कूड़े पीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, उन्होंने इसके लिए क्या कारण दिया। तो साहेब एंड अदर रैग पिगर्स डिड नॉट बियर चप्पल्स, साहेब और दूसरे कूड़े बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे। क्यों नहीं पहनते थे, बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन टू वेंडर वेयर फुट, नंगे पैर घूमना उनकी परंपरा थी। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो, और उन्हें पहनना भी पसंद नहीं था। दे एक्सक्यूज, वे बहाना बनाते हैं दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फॉर द सेल्फ, उनकी मां उन्हें अलमारी से या टाण से नहीं उतारेगी। प्रश्न है तीसरा, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़े बीनने वाले रहा करते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहां कैसे बस गए। तो देखिए इन सीमापुरी में जो कहां पर है दिल्ली में, मोर देन 10,000 रैग पिगर यूज टू लिव, वहां 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। दे हैव लिव्ड देयर मोर देन 30 years, वे वहां 30 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं। एज दे आर द स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स होते हैं बासिंदे, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं हम, हमारा चौथा प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या है देखो, चौथा प्रश्न है बाई वॉज द मीनिंग सॉरी व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उसमें उन्हें क्या मिलता था। फॉर चिल्ड्रन,
गर्वेज वॉज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए कूड़ा एक रहस्यों भरा था, ढेर था। इन इट इसमें दे समटाइम्स फाउंड अ रुपी, कभी कभार उन्हें एक रुपया मिल जाता। इवन अ 10 रुपी नोट, 10 का नोट भी मिल जाता। एंड देयर फोर दे डिड नॉट स्टॉप इस क्राउनिंग इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, वे और अधिक पाने की इच्छा से वह लगातार खोजते रहते। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहेब ने बूथ के दुकान पर नौकरी क्यों की। वॉट वॉज ही हेल्प फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए उन्हें क्या दिया गया था। साहेब ज्वाइन द मिल्क बूथ, टी साहेब ने मिल्क बूथ टी स्टॉल पर ज्वाइन की बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। देयर ही वॉज पेड 100 रुपीज, वहां उसे 800 रुपए मिलते थे। एंड ऑल हिज मील्स, और उसके दिन भर का खाना। बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडेड, लेकिन उसे और अधिक कठिन परिश्रम करना था और उसकी सीमाएं थी। देयर फोर बिकॉज नहीं आएगा ना, देयर फोर ही वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, इसलिए वह खुद का स्वामी नहीं रहा। आगे देखिए, नंबर 5 देखिए, नंबर 5 क्या है। एक मिनट वेट करिए, देखिए, सॉरी फॉर डिले। हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहां से संबंध रखता था। वॉट वॉज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा या लक्ष्य क्या था। देखिए, मुकेश वॉज अ यंग बॉय, मुकेश एक युवा लड़का था। बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली, वह एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से था। फ्रॉम फिरोजाबाद। हिज एम्बिशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी महत्वाकांक्षा या लक्ष्य उसके परिवार से भिन्न था। एज ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, चूंकि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया। हु वर देयर इन द होम, घर में कौन कौन थे। मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम, मुकेश ने कहानीकार को अपने घर ले जाने का नेतृत्व किया, क्योंकि हिज हाउस वॉज बीइंग रिबुल्ट, उसका घर दोबारा से बन रहा था। एंड ही वॉन्टेड टू शो इट टू हर, और वह उसे दिखाना चाहता था। इन द होम, घर में देयर वर मैनी मेंबर्स एज मुकेश एल्डर ब्रदर, उसके घर में कई सदस्य थे, जैसे मुकेश का बड़ा भाई, हिज ब्रदर्स वाइफ उसके भाई की पत्नी, मुकेश फादर मुकेश के पिता, ग्रैंड मदर एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर।
तो हमने ये 7 तक शॉट की, अगला शॉट देखिए 8 नंबर शॉट। देखिए 8 वाला शॉट क्या है हमारा, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड व्हाई, ये उसका कर्तव्य है उसका भाग्य है, किसने और क्यों कहा। इट इज हिज कर्म, यह उसका भाग्य है, कर्म है हिज डेस्टिनी, यह उसका भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर सेड, मुकेश की दादी ने कहा दिस ऐसा बिकॉज सी हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, उसने अपने खुद के पति को देखा गो ब्लाइंड अंधे होते हुए विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की पॉलिश से की धूल से उसे अंधा होते हुए देखा। सी सेड दैट अ गॉड गिवन लाइन इज कैन नेवर बी ब्रोकन, और वह कहती है क्या भगवान के द्वारा बनाई गई जंजीर को तोड़ा जा सकता है। आगे देखो नौमा, व्हाट वाज द बेंगल सिंबलाइज, चूड़ियां किसका प्रतीक हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वालों की क्या भूमिका है। द बेंगल सिंबलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, चूड़ियां भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बेंगल्स इन द कंट्री, यानी फिरोजाबाद में बड़ी मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा में चूड़ियां बनाई जाती हैं। एंड एक्सपोर्ट बेंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में उन्हें निर्यात किया जाता है। नंबर 9 हो गया हमारा, नंबर 10 देखिए, इंटरेस्ट क्या कह रहा है देखो, Why could the bangle makers not organize themselves into a cooperative? चूड़ी बनाने वाले अपने आप को सहकारी या साथ मिलकर काम करने के रूप में क्यों व्यतीत नहीं कर पाते। What do they say if they do so? यदि वे ऐसा करते तो वे किसका सामना करते। देखिए, the bangle makers could not organize themselves into a cooperative. चूड़ियां बनाने वाले एक सहयोगी के संगठन के रूप में नहीं संगठित हो सकते। बिकॉज इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते, दे आर होल्ड अप बाई द पुलिस, उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता, बीटन पीटा जाता एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में बंद कर दिया जाता। दे फेस द मिडिल मैन, वे सामान्य लोगों का सामना करते, पुलिसमैन पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपुल्स, पीपुल्स नहीं आएगा यहाँ, पीपुल होगा केवल, PEOP। ठीक है, आई होप आपको ये शॉर्ट आंसर पसंद आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।